सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड माई नेम इज़ करण श्रीवास्तव। सो गाइज, कल था हमारे यहाँ काली माता का पूजा, जो कि 3 साल पे एक बार होता है और जितने भी गांव के लोग हैं सब लोग मिल के एक साथ पूजा करते हैं। तो 3 साल पे वो पूजा एक ही बार होता है। तो आई होप वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप लोग जाके उसे एक बार देख लो। सो गाइज, तो अभी मैं अपने घर पे ही हूँ, आप देख सकते हैं पीछे का लोकेशन। तो अभी सो के उठाऊँ कुछ देर पहले, तो ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मली आया तो टहलने के लिए बाहर ही निकल टहलते हैं थोड़ा सा। तो गाइज, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो गाइज, फाइनली नहा हुआ के रेडी हो गए हैं और अभी मैं जब घर पे आया हूँ तो मम्मी बोल रही हैं कि राखी वाखी बांध लो। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि कल भी रक्षाबंधन था और आज भी है। तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि कल भी लोग मनाए थे और आज भी लोग मना रहे हैं। तो फिलहाल मैं राखी वाखी देख सकते हैं, मैं खुद से बांध लिया हूँ, टीका वगैरह खुद से लगा लिया हूँ। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी दीदी तो है नहीं क्योंकि वो ससुराल है इस टाइम, तो मुझे खुद से ही बांधना पड़ा है सब कुछ। सो मैं भी अपने दीदी को रक्षाबंधन विश कर देता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी, तुम तो नहीं हो लेकिन मैं खुद से बांध लिया हूँ। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आना तो फिर बांधना, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, अभी सो के उठे हैं और यहाँ पे मम्मी दादी लोग अमरूद तोड़ रही हैं, ये देखिए। परल बका, दिखाया नहीं है कि चलो कहीं। और कहाँ की चलो? पानी बरसल है कुल खास चलो अपना। तो छोटा सा पेड़ है अमरूद का और देख सकते हैं आप, तभी से मम्मी दादी लोग लगी हुई हैं तोड़ने के लिए। दो वर्षा लगी रही तब न, हमारा तो जंगल हो गया था। सो गाइज, अभी थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं यहाँ पे और जैसा कि आप देख सकते हैं रोज मैं जाता हूँ इस साइड टहलने के लिए इस साइड, लेकिन आज हम जाएंगे इधर और इधर भी आपको दिखाते हैं कि इधर क्या क्या चीजें हैं। सो गाइज, ये देखिए पूरा बगीचा है यहाँ का, आम का, केवल आम का ही बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है। सो गाइज, एक चीज कहना था आप लोग से, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो देखते भी हो तो पूरा देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज उसको आप लाइक भी किया करिए। सो गाइस, इधर का व्यू देखिए, पीछे पूरा बगीचा है, आप देख ही लिए हैं। और इस साइड में वो क्या बोलते हैं, आटा चक्की है, एक भैया यहाँ पे काम करते हैं और वेल्डिंग की दुकान है। और बाकी यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही प्यारा है। गाइज, इधर पोखरा था बहुत बड़ा, अभी सूखा, मतलब सूख गया है, पानी उनी नहीं है, बहुत कम पानी है। अब देखिए यहाँ पे ये पोखरा था पहले, लेकिन पानी कम है इस टाइम। और इधर का पूरा व्यू देखिए आप, ये जो है ना ये कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पे बना हुआ है, अभी हाल ही में बना है। और आइए कुछ दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं यहाँ पे। क्या करते थे बाबू? ये देखिए सो गाइस, यहाँ का व्यू एक बार पूरा चारों तरफ मैं राउंड करके दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए आप लोग एक बार, ये देखिए सो गाइज, एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि गांव के अंदर या जो विलेजेस होते हैं यहाँ पे, जो आपको लोकेशन और व्यू या फिर नेचर कहें तो साफ साफ भाषा में, वो जो चीजें गांव में आपको मिल जाएंगी ना, वो शहर में कहीं नहीं मिलती है। वो अलग की बात है कि शहर में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें गाँव में अवेलेबल नहीं होती है। बट भाई साहब, गाँव में जो चीज आपको देखने को मिल जाएगा ना भाई साहब, अल्टीमेट होता है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है नेचर और हवा यहाँ का, जो भी मतलब है एकदम सब कुछ जेन्युइन मिलता है आपको। और ये सब पेड़ पौधे देख के अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लोकेशन अभी मैं आपको दिखाया हूँ आप लोग को देख के कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, मेरे तरफ से आपके फैमिली को, आपके बहन को, सबको हैप्पी रक्षाबंधन।